कौन बताएं, पहले तो अपने फैमिली के बारे में हमें बताएं कि आपके फैमिली में कौन कौन है। फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी और एक बड़ा भाई है मेरी फैमिली में। ये और फैमिली में और कोई स्पोर्ट्स में है? कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम जो स्पोर्ट्स में आया हूँ। तो पहली बार आपने कब कबड्डी के बारे में सुना, या पहली बार बचपन में कभी देखा हो कि हाँ ये कबड्डी कहीं खेल रहे हैं लोग? फर्स्ट टाइम मैंने कबड्डी में ऐसे ही स्कूल लाइफ में स्टार्ट किया था। जैसे स्कूल लाइफ में प्लेयर्स जाते हैं तो टीम के लिए जोन इंटर जोन के लिए, तो ऐसे ही मैं चला गया था। स्कूल में टीचर था, प्लेयर्स कम थे कबड्डी के लिए, तो मुझे लेके चले गए। तो ऐसे ही बच्चा था तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। ऐसे ही उनको भी खेलना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, तो अच्छा खेल गया वहाँ पे। तो फिर पापा के साथ ऐसे चला गया स्टेडियम में, तो पापा बोले खेलिया कबड्डी, तो मेरा इंटरेस्ट तो कबड्डी में था ही, तो बस मैंने जब से खेलने कबड्डी स्टार्ट कर। आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने शुरू किया? मे बी 13-14। 13-14। और प्रोबेबली उस टाइम जो सब नेशनल्स होता है, उस वक्त आपने सब नेशनल्स भी खेला था। स्कूल नेशनल जितने भी थे उस टाइम मैंने सभी स्कूल नेशनल्स खेले थे। तो आपको इन्फ्लुएंस किसी ने किया कि कभी मतलब किसी अर्जुन अवार्डी को देखा हो आपने, या किसी बड़े प्लेयर को जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? मंजीत छिल्लर का काफी नाम था क्या, अभी भी नाम है उनका। तो सोचते थे उस टाइम मंजीत छिल्लर के साथ कभी फोटो लेना है, उनके साथ खेलना है। तो क्योंकि उस टाइम पे जो मंजीत छिल्लर, राकेश कुमार, इन्हीं के नाम थे, तो कबड्डी भी अगर जाने जाते थे तो सिर्फ इन लोगों प्लेयर्स के नाम से ही जाने जाती थी। तो सोचते थे कि कभी इनसे मिलेंगे, तो जब यही दागी बनना है तो इन जैसा ही बनना है। आपने कोई कोचिंग लिया, कोई एकेडमी ज्वाइन की, या फिर गांव में ही प्रैक्टिस करके सीखा? कैसे सीखा आपने? मेरा जो कोच है शिव कुमार मान, मैंने उनके पास प्रैक्टिस की, उनके गांव में जाके मैं स्पेशली जाता था। 8 किलोमीटर दूर हमारे गांव से 1 किलोमीटर, तो मैं बाई साइकिल से जाता था डेली। साइकिल पे जाना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वापिस आना, तो डेली मेरा वर्कआउट का आधा इधर ही हो जाता था साइकिल पे। तो फिर वहाँ जाके वो प्रैक्टिस कराते थे, तो वो काफ़ी समझे हुए, मतलब स्कूल नेशनल्स के काफ़ी समझे हुए कोचेज रहे हैं, काफ़ी दिमागदार कोच हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक ही पहुँचाया। उसके बाद मैंने फिर रेलवे में ज्वाइन किया, वो फिर अलग कार्य है। तो जब आपने खेलना शुरू किया, तो जैसे आप बोल रहे थे कि पापा के साथ आप गए हुए थे और आपका रुझान कबड्डी की तरफ हो गया, लेकिन कभी ऐसा प्रेशर भी था कि भाई पढ़ाई भी कर लो, खेलो, खेलते ही हाँ, रहोगे? घर में जैसे मम्मी का मैं ज्यादा लाडला रहा हूँ, तो वो सोचती थी बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कभी खेल के आता था, मिट्टी में हो जाते थे, क्योंकि मैट पे तो कबड्डी ज्यादा टाइम से नहीं आई है, प्रो कबड्डी के आने से ज्यादा मैट पे कबड्डी हुई है। तो पहले मिट्टी में खेलता था, तो मिट्टी लग जाती थी, तो मम्मी मना करते थे कि नहीं, फिर पापा फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जो गाँव रहा है वो स्पोर्ट्स पर्सन का ही ज्यादा रहा है, तो वहाँ मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल एक और कुश्ती, तो वहाँ से महाबली सतपाल जी भी निकले हैं। तो पापा का शुरू से ये था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में रखना है। फिर मेरा भी रुझान हो गया, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया कबड्डी में, तो मम्मी ने मना भी किया कि नहीं मत खेलो पढ़ाई कर लो, ज्यादा स्कोप है। तो अभी जब 5 तारीख को आपने ट्रॉफी उठाया, तो आपने आपकी माँ का कॉल जरूर आया होगा आपके पास, अब क्या बोलती है वो? काफी देर तक तो बोली नहीं, क्योंकि मैं जैसा था फोन उठाया, फिर मैंने बोला नमस्ते मम्मी, नमस्ते, और सुनाओ। तो सुनाओ के नाम पे चुप ही होगी, कुछ बोली नहीं, थोड़ा इमोशनल ही है मेरी मम्मी, थोड़ा तो सभी की होते हैं इमोशनल इतना, क्योंकि उनका लड़का खेल रहा है प्रो कबड्डी में और इस में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पे निकला है, और काफी अच्छा रेडी कर रहा था। फाइनल मैच में जो था 22 पॉइंट भी मेरा ही था, तो काफी खुश हो गए कि फाइनल मैच में जिताने वाले में पवन का ज्यादा बड़ा हाथ है इसमें, तो काफी खुश था। रिएक्शन यही था कि भाई प्राउड फील हो गया फैमिली को, पेरेंट्स को, कि प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा लड़का है ऐसे ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं, नाम रोशन कर रहा है, तो काफी प्राउड फील थे पूरी फैमिली को। तो उस टाइम जब बचपन में खेल और पढ़ाई, तो कैसे मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि स्कूल तो जाना पड़ता हाँ, होगा, स्कूल तो कुछ करते होमवर्क्स भी मिलते होंगे स्कूल से कि भाई ये करके आना, और खेलना भी है, वो भी जरूरी है, तो कैसे मैनेज करते थे? कभी स्कूल स्कूल बंक किया करते थे कि नहीं, कि हम खेलने चले गए, आज स्कूल नहीं जाएंगे, चलो आज खेल के आते हैं? हाँ, ऐसा होता रहता था, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ये हुआ है, सभी के साथ ही हुआ होगा कबड्डी प्लेयर के साथ, कि नेशनल्स कैंप लगे और मेरा स्कूल में एग्जाम चल रहा है, तो दोनों में से एक सेलेक्ट करना कि एग्जाम दूँ या मैं नेशनल के लिए जाऊँ, क्योंकि दिसंबर का टाइम जो होता है इसी में स्कूल नेशनल्स होते हैं, या ओबियसली सभी नेशनल दिसंबर जनवरी में होते हैं, तो उसी टाइम में एग्जाम होते हैं स्कूल में, सेकेंड टर्म के या फर्स्ट टर्म के उसी टाइम होते हैं, तो
तो मैं ये सोचता रहता कभी एग्जाम में चला जाता कभी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ट्रायल होती थी वहाँ पे नेशनल के लिए, वहाँ चला जाता। एक बार तो मैंने एग्जाम दी ही नहीं, कंटिन्यूस मैं वहीं चला गया उसके लिए। तो घर पे डांट भी मिली, क्योंकि घर से दिन बताए जाते थे, क्योंकि माहौल बन गया मेरे खेलने के बाद, थोड़ा कबड्डी का माहौल बन गया तो फ्रेंड्स के साथ फिर मुझे भी मजा आने लग गया कबड्डी में, तो वहीं बाहर जाते थे ट्रायल के लिए। उसके बाद फिर अच्छा स्कोप गया, नेशनल वैसे में मेडल आ गए, उसके बाद बन गई बात, फिर तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।